राधा स्वामी, राधा स्वामी। आपने एक शब्द सुना, गुरु नानक साहब का शब्द था। उन्होंने गुरु की बड़ी प्रशंसा की है, सदगुरु की बड़ी प्रशंसा की। गुरु मत, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बैठो माता जी। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु देता क्या है। पहली बात तो ये है, गुरु के पास सब कुछ है, दीन भी है और दुनिया भी है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास भी दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास वो दो चीज़ें नहीं हैं तो गुरु आपको कुछ भी नहीं दे सकता। और वो क्या है? आस और विश्वास। आस और विश्वास, आस रखो और अटल आस रखो कि मैंने ये चीज़ प्राप्त करनी है, और विश्वास रखो कि गुरु ने ये मुझे ज़रूर देनी है, आप कामयाब हो जाओगे। ये मैं अपनी आप से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। और यही मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं देने को, तुम अपने विश्वास से ले सकते हो। विश्वास ही है जो कुछ है सबसे ज़्यादा। और विश्वास के पीछे क्या? आस। आस होगी तो विश्वास भी होगा। अगर आस ही नहीं तो विश्वास का है क्या करना? आप समझिए ना, हमारा जो जीवन है ये दोनों चीज़ों पर निर्भर है। और अंग्रेज़ी में कहते हैं आस, सांस है तो आस है। जब तक हमारा सांस है तब तक आस है, आप समझे। एंड इट इज़ आवर डिज़ायर दैट मेंटेन्स आवर लाइफ। हमारी ख्वाहिश ही ज़िंदगी है। ख्वाहिश कोई नहीं है तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो बेख्वाहिशी किस में आती है? वो संत के पास होती है, वो कोई ख्वाहिश नहीं करता। लेकिन उसकी भी एक ख्वाहिश होती है कि मैं उस मालिक से मिल लूँ। बाबा फकीर ने यही कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं उस मालिक को मिल लूँ, राम को मिल लूँ, राम को देखना चाहता हूँ। तो दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, आस और विश्वास, तुम्हें कभी भी कमज़ोरी नहीं आएगी, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर कहीं भी आप घबरा जाते हैं आस को छोड़कर कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो बाबा फकीर जी कहते थे तुम्हारी पतंग की डोर टूट जाएगी। और वो कहाँ रुकेगी? किसी दरख्त में फंस जाएगी। बात समझ गए ना? आशा से कभी नहीं डोलना, कभी आशा से नहीं डोलना। फिर कर बैठो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे काशवारे। तुम थिर होकर बैठ जाओ कि बस मैं कहीं नहीं जा। तन्ने भक्त ने क्या पाया? वो बैठ गया। पत्थर को ही कहता यही मेरे ठाकर हैं, मैं रोटी नहीं खानी, क्योंकि पंडित जी बगैर इसको भोग लगाए रोटी नहीं खाते थे, तो मैं कैसे खा लूँ। अल्टीमेटली उसको उसके सामने आना पड़ा। हालांकि संत मत में वो उसके मन की ही क्रिएशन थी, वो भगवान नहीं था। जो पैदा होता है वो भगवान नहीं होता, वो तुम्हारे मन की ताकत है। और तुम्हारे मन की ताकत ने गुरु को पैदा कर दिया, तुम्हारे मन की ताकत ने देवी को पैदा कर दिया, तुम्हारे मन की ताकत ने देवता को पैदा कर दिया। और तुम ऐसा विश्वास करते कि वो आया, उसने कहाँ से आना है? ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने साबित कर दिया कि कोई गुरु बाहर से नहीं आता, कोई देवी बाहर से नहीं आती, तुम्हारा विश्वास बहुत अटल है। और वो फरमाया करते थे कि अपना विश्वास ऐसा करो जैसे मीराबाई का था। उसको जहर भेजा गया, उसने विश्वास ही नहीं किया कि ये जहर है। उसने कहा ये तो प्रसाद है, पी गई गट गट, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? तो आज मैं आपको दाता दयाल का एक शब्द सुनाता हूँ। दाता दयाल क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता। दाता दयाल जी महाराज इस शब्द में क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने समझा जहाँ मुझे जो समझ लगी इस शब्द से, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पढ़ो। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में। दो चीज़ें कही उन्होंने, भरोसा मीन विश्वास, और आस भी तेरी, बाकी किसी की नहीं। मुझे नहीं पता कोई राम होगा, मुझे नहीं पता कोई भगवान होगा, मुझे नहीं पता। मुझे किसकी आस है? गुरु की आस है। और उनके गुरु कौन थे? राय बहादुर सालग्राम साहब जी महाराज।
उन्होंने कई जगह उनका नाम भी लिखा है, पढ़ो। भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में, लगा रहता हूँ तेरे सुमिरन भजन में। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, उन्होंने कहा कि तेरा भरोसा है, तेरी आस है, और मैं तेरे ही सिमरन में भजन में लगा रहता हूँ। ये आगे की लाइन भी पढ़ो, यही है जतन मेरा, यही है जतन और यही काम मेरा, यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं रात दिन तेरा ही नाम जपता हूँ। एक भरोसा भी है, एक आस भी है। अब मैंने इसको क्या समझा, मैंने क्या समझा, मैं ये समझा कि दाता दयाल जी कहते हैं कि मेरी जो आस है, मेरा जो विश्वास है, मैं उसका ही स्मरण करता रहता हूँ। बाबा फकीर ने कहा कि मैंने बचपन में यही, जब दाता दयाल जी की नामदान मिला तो मेरा एक ही था कि मुझे उसको मिलना है, मेरी और कोई विश्वास आस ही नहीं थी, मैंने उसको मिलना है, मैंने उसको मिलना है, मैंने उसको मिलना है। तो वो आस पूरी हो गई, वहाँ पहुँच गए जहाँ वो जाना चाहते थे। ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी दिन रात उस मालिक को याद नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अपनी आशा को याद कर सकता है कि मेरी आस पूरी हो जाए, मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँ। ये तो चलता रहेगा ना, ये तो मन में चलता रहेगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मेरी ये मिल जाए, मालिक मुझे ये मिल जाए, मालिक मुझे ये मिल जाए, ये तो कहेगा ना। भगवान को बेशक ना याद करे, लेकिन वो अपनी आशा को पूरे करने के लिए उस पर विश्वास रखेगा कि वो मेरी आशा को पूरी करेगा। वो दो तरह की आशा हो सकती है, संसार की आशा भी हो सकती है, ज्ञान की आशा भी हो सकती है, विज्ञान की आशा भी हो सकती है, तरक्की की आशा भी हो सकती है, और उस मालिक को पाने की भी आशा हो सकती है। क्या कहा मैंने, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो इंसान जैसे मैं बचपन में था, मुझे हमेशा ये याद, मेरा सतगुरु मुझे मिल जाए, मेरा सतगुरु मुझे मिल जाए, मेरा सतगुरु मुझे मिल जाए, मेरी बात समझ गए, वो मुझे मिल गए। हालांकि देर लगी बनने में, लेकिन जब वक्त आया तो मिल गए। टाइम लगता है हर चीज़ को, जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, छोटी चीज़ होगी जल्दी मिल जाएगी। क्या कहा मैंने, जितनी तुम्हारी आश है उसके मुताबिक तुम्हें अपना विश्वास रखना पड़ेगा कि जो होगा भला होगा, ये विश्वास कर लो कि जो भी करेगा वो भला करेगा। अपने मन में पूरा विश्वास कर लो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, मैं ऐसा समझता हूँ। दाता क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने जीवन को अपने सामने रखता हूँ। फिर पढ़ो यही लाइन है, यही है जतन और यही काम मेरा। यतन क्या, मेरी आस पूरी हो जाए, उसको पाने वाली भी और दुनिया को पाने वाले भी, किधर जिधर मर्जी लगा लो, मन तो एक ही है ना, एक मन है, मन को एक तरफ ही लगाना पड़ेगा, उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। हाँ आगे, तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी। अब उन्होंने यहाँ ये कह दिया, एक बहुत बड़ी बात कह दी है, तेरी मौज में, यहाँ मांगा नहीं है, विश्वास है, आस है, तेरी मौज में मैं रहकर बहुत सुखी हूँ, क्योंकि विश्वास हो गया कि ये मुझे मिल जाएगा तो इसकी मौज पर छोड़ना पड़ेगा। तुम अपनी मेहनत करो,
अपना काम करो, जो ड्यूटी मालिक ने दी वो करो, बाकी उसकी ड्यूटी है कि वो तुम्हारी बात को सुनेगा। क्या कहा मैंने? घबराना नहीं है, डोलना नहीं है। वो इसलिए कहते कि मैं तेरी मौज में सुखी हूँ और मेरा तो तेरे ऊपर ही विश्वास है, मुझे तेरी ही आस है और मेरी कोई आस है नहीं, मेरी एक ही डिमांड है, मेरा एक ही विश्वास है वो मेरा पूरी हो जाए। जा उसको मांग लो या दुनिया मांग लो, दो ही मिल जाएंगी। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ रहे हो आप? आदमी उसको कब मानेगा, मालिक को कब मांगेगा? जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। वो भूखा आदमी भक्ति नहीं कर सकता, वो भूखे भजन ना होए। ये लो अपनी माला पकड़ लो, समझिए। भूखे कोई भजन नहीं कर सकता, बीमार आदमी भी भजन नहीं कर सकता। जो उसकी मौज में रहता है उसको कुदरत अपने आप गोद में ले लेती है। आप समझ गए मेरी बात को? तो वो कहते हैं मैं तेरी मौज में हूँ, मेरी एक आस है, मेरा एक विश्वास है, अब तेरी मौज है। उसको उसके ऊपर छोड़ दिया, वो फिर अपने आप ही सब कुछ कर देगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, खुली आँख से तेरा दर्शन जो पाया, मिटे सहज में मान मद मोह माया। अब यहाँ गुरु की बात आ गई है कि जब मैंने तेरा दर्शन पाया था, अपने सदगुरु को संबोधन किया है, जब मैंने खुली आंख से आपके दर्शन किए थे, तो तब क्या हुआ था? मेरे मन का मद मान सब कुछ खत्म हो गया, माया भी खत्म हो गई। माया कहते हैं मन के ख्याल, और मान क्या होता है? किसी चीज़ को मान लेना, ये मेरी है, इसको कहते हैं मान। कोई भी चीज़ उसको मान लेना कि ये मेरी है, उसको कहते हैं माना, और उस चीज़ को अपना मान लेना उसको मद कहते हैं। मेरे इतने बच्चे, मेरी इतनी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो मद है। वो कहते हैं मुझे मद ही नहीं, ख़त्म हो गया, आपके दर्शन किए, कोई मद नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, तो आपकी कृपा है सारी। क्या कहा मैंने? ये एक बहुत ऊँची ज़िंदगी का लेवल बताया है दाता दयाल जी महाराज ने, कि मेरी डोरी तेरे हाथ है, बस मुझे क्या, मैं किस चीज़ का मान करूं, मैं किस चीज़ का मद करूं, या क्या मैं मोह करूं, किस चीज़ से मोह करूं? मेरा तो कुछ है नहीं, मैंने तो आप पर छोड़ दिया है, मेरा विश्वास है, मेरी आस है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी बात समझ गए? गुरु को सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, बस जब आपने उसको डोरी छोड़ दी, ही टेक्स केयर। बात समझ गए? वो एक मैं कहानी सुनाया करता हूँ। जैसे आजकल बरसात लगी है, गुरु और चेला कहीं जा रहे हैं, तो आगे को नदी आ गई, तो गुरु जी ने कहा बेटा मेरी बाजू पकड़ ले, मेरी बाजू पकड़ ले। उन्हें बाजू नहीं पकड़ी, और पानी बढ़ता गया, तेज़ हो गया। उन्हें फिर भी क्या, बेटा मेरी बाजू पकड़ ले, उन्हें नहीं फड़ी। जल ज़्यादा लच्छ आई तो गुरु ने उदी बाँह फाड़ ली, गुरु जी ने उदी बाँह फाड़ ली और पार निकल गए। बाहर खड़ा कर लिया, वो बच्चा तेनों में किन्नी बारी क्या सी बाँह फड़, तू मेरी बाँह क्यों नहीं फड़ी? कहती महाराज मैं क्या बताऊँ, मैं किदा फड़दा बाँह, मैं डरपोक, जल लच्छ बनी सी, मैं छड़ देनी सी, तुसी मेरी बाँह फड़ ली, मैनू पूरा विश्वास हो गया कि हूँ मैं नहीं छड़ना। बात समझ गए? इसको कहते हैं गुरु पर विश्वास। हूँ मैं निश्चिंत हो गया सी, मैं इसे करके डरदा सी, मैं ये बाँह फाड़ ली महाराज जी दी, हो सकता मेरे तो बाँह छुट जाए, मैं जिसके डरदे ने फड़ी नहीं, कि मैं पता नहीं किन्ना मीह पैना, किन्ना पिछों पानी आ जाए, मेरे तो छुट जाए, तो आपने बाँह फाड़ ली, बस मैनू मेरी चिंता दूर हो गई, मैं बाहर निकल आया, मैनू की लौड़ पई सी तुहाड़ी बाँह फड़न दी। बात समझ गए? ये विश्वास है, ये अटल विश्वास है। जो आते हैं 10 दिन सत्संग किया, 20 दिन सत्संग किया, काम बन गया, चलो छुट्टी करो। मैं देखता हूँ दुनिया को,
मैं दुनिया को देखता हूँ, मेरा तजुर्बा ये कहता है। उसके बाद टेलीफोन भी नहीं कोई करता, आना तो क्या, मेरी बात समझ गए। ये दुनिया ऐसी है, तो जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो परवाह नहीं करते इन चीज़ों की। तेरा भला हो, बस मेरे पास नहीं आना, तेरा काम हो गया, खुश रहो बेटा, भगवान को याद करो। बात समझ गए मेरी, आगे पढ़ो। न जोगी न साधु। अब सुनो, अब अगली बात वो कहते हैं। ये जो बात है ये अल्टीमेट है, आखिरी, जिसमें मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब गुरु के हो गए तो तुम्हारी मैं अपने आप ख़त्म हो जाएगी, मैं रहती नहीं है। तो अब वो क्या कहते हैं कि मैं क्या बना, मैं तुम्हारे पास आ गया, मुझे तुम्हारा भरोसा है, मुझे तुम्हारी आस है, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं हमेशा इसी चिंतन में रहता हूँ कि आप मेरे हैं, ये एक विश्वास है। तो फिर मैं क्या बना, आप पढ़ो। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं आपकी संगत में आकर न योगी हूँ न साधु हूँ न ज्ञानी हूँ, मैं नहीं बनता कुछ भी आगे। न जोगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी या साधु न मानी बना मैं। अब ये मतलब को समझना, हम जो कुछ भी बनते हैं मन के लेवल पर बनते हैं, मन ही है ना, मन ही बाप बनता है, मन ही बेटा बनता है, मन ही पति बनता है, मन ही चाचा बनता है, मन ही ताया बनता है, मन ही सब कुछ बनता है, और तो कुछ नहीं। जब मन बिगड़ गया रिश्ता टूट जाता है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो कुछ है इस दुनिया में मन है, मन, जब हम मन से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम हो, और जो तुम हो तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। क्या कहा मैंने, ये थोड़ी बात ऊंची है। जब तुम शरीर मन और आत्मा से अगली स्टेज पर चले जाते हो वहाँ सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, तुम अपने आप में आ जाते हो, तुम एक अपने रूप में आ जाते हो। तो वो जो रूप है, सुरत रूप है, वो कुछ भी नहीं बनता। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, बात को पकड़ते जाना, बहुत ऊंची बात है। पहले दुनिया की बात है, दुनिया में कैसे तरक्की पाओगे, सिर्फ विश्वास और आस से, और इसी आस और विश्वास ने तुम्हारी दुनिया भी बनानी है और तुम्हारा दीन भी बनाना है। क्या कहा मैंने, हाँ, जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल काहे रखे। अब सुनना इसको, बात से ध्यान से सुनियो। वो कहते मेरा वही रूप है जो पहले था, बहुत गहरी बात बताने लगा हूँ। जब मैं माँ के गर्भ में आया तो मेरा क्या रूप था, कोई रूप नहीं था, कोई रूप नहीं था। उनके गर्भ में आने के बाद मेरी 5 कर्म इंद्रियाँ बनी, मेरी 5 ज्ञान इंद्रियाँ बनी, मेरे अंदर मन चित्त बुद्ध अहंकार सब पैदा हुए। बात को पकड़ रहे हो, और उस 9 महीने में मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा मतलब मन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बात को पकड़ते जाना, मेरा वही रूप, दाता दयाल कहते हैं मेरा वही रूप है जो पहले रूप था मेरा। इसका मतलब क्या है कि हमने इस शरीर को रखते हुए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन चित्त बुद्ध अहंकार को रखते हुए इनसे ऊपर जाना है, वहाँ जाना है जहाँ मैं पहले था, जब मेरा कोई शरीर का अंग नहीं बना था, मैं चेतन रूप में था।
मैं चेतन रूप में तब भी था। उस चेतन रूप का सहायता किसने की? कुदरत ने की, मालिक ने की। जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, उसने माँ के गर्भ में मेरा शरीर बनाया, मेरे शरीर को पूर्ण किया और फिर मेरे को गर्भ से बाहर लाया। और जैसे बाहर आया, वो नाड़ू काट दिया क्या, मेरे को दूध पीने को मिल गया। इसमें मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और आगे चलता हूँ ये जानने के लिए कि इस शरीर को रखते हुए मेरा मन बाहर मुखी तो सब कुछ करता है। मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार चारों मेरा साथ दे रहे हैं और इस मन और बुद्धि के कारण मैं दुनिया के सारे कारोबार करता हूँ, ठीक है। लेकिन शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, उसको खाने में और पानी को पचाने में मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे शरीर से मल बाहर जाता है, पेशाब के रूप में पानी बाहर जाता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मैं उसको रोक नहीं सकता। मेरी नब्ज चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा इसमें कोई रोल, मेरे मन का इसमें कोई रोल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम होश में होते हुए इस शरीर को चलाने वाले नहीं हैं, वो और चीज़ है। वो कौन है? वो ना जोगी बनता है, ना संत बनता है, ना साधु बनता है, ना गृहस्थी बनता है, ना मामा बनता है, ना चाचा बनता है, ना ताया बनता है, ना भाई बनता है, ना पति बनता है, वो कुछ भी नहीं बनता। बनता क्या है? मन। मेरी बात बहुत ऊंची है, मन है। इस मन और बुद्धि को पकड़कर दुनिया में जो चाहो तुम ले सकते हो, लेकिन उसको लेने के लिए मन और बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, तब तुम योगी नहीं बनोगे, तब तुम भोगी भी नहीं बनोगे, तुम कुछ भी नहीं बनोगे। क्या कहा मैंने? ये बात बहुत ऊंची, मैं आपके साथ थोड़े हो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शायद आपके थोड़ी पल्ले बात में पड़ जाए। फिर पढ़ो वही लाइन। जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल काहे रखेरा। उसको कोई फर्क नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं है। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो आत्मा नहीं है। तो तुम सो जाते हो, सो गए, तुम्हारा शरीर पर कोई कंट्रोल है, लेकिन तुम्हारा सांस चल रहा है, तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है, तुम्हारी नब्ज भी चल रही है, तुम्हारा खाया पिया भी पच रहा है। तो इसका मतलब कोई और है। वो जो और है वो ईश्वर की अंश है, वो मालिक की अंश है। इसलिए संतों ने कहा कि ऐ इंसान, तू कहाँ भटकता फिरता है? वो तो तेरे अपने अंदर है, कहाँ भटकता फिरता है? कहीं कभी भागा हुआ, कभी कहीं भागा हुआ, कहीं तूने अपना तो भी ख्याल, तेरी सेवा में वो 24 घंटे है, नहीं है? बताओ, तुम्हारा मन तो कुछ नहीं कर रहा। वास्तव में जो मैं बोल रहा हूँ, ये किसकी हस्ती से बोल रहा हूँ? उसकी हस्ती से बोल रहा हूँ, वरना मेरी शरीर में कोई ताकत नहीं है। ये हरकत सिर्फ उसके कारण है। वो है तो हरकत है, वो है तो मैं बोलता हूँ, वो है तो मैं देख रहा हूँ, वो है तो मैं सुन रहा हूँ। जब वो निकल जाएगा, शांत। क्या कहा मैंने? तो संत कहते हैं, ए इंसान, तू बाहर भटक भटक, तेरे अंदर है वो, तू उसकी खोज कर ले, वो तेरे घट में है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सवा निरंतर तेरे संग समाई, तेरे संग समाई। वो कहते तेरे साथ है। यही दाता दयाल कहते हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा बन गया।
मैं तो तेरी सच्ची आस और विश्वास हूँ, सच्ची आस और विश्वास दोनों बातें कह दी वहाँ दाता दयाल ने। कबीर साहब ये के मुँह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीर साहब ने भी यही कहा, गुरु नानक साहब ने भी यही कहा, मैं तुम्हें पढ़ के सुना दिया, कहे रे बन खोजन जाई। और वो फिर वहाँ कहते हैं वो कैसे हैं, पुप मध्य ज्यों वास वसत है, तुम्हारे अंदर वो कैसे है, जैसे फूल में खुशबू ऐसे है वो, मुकर माहे जो शाही शीशे में जैसे तुम अपना मुंह देखते हो, उसको जरा अंदर देख लो, तुम्हारे अंदर है वो मुकर माहे जो शाही, तो आप समझ गए, वो सब कुछ जो कुछ है हमारे अपने अंदर है, लेकिन हमें दुनिया वालों ने बताया नहीं है, गुरुओं ने गुरु ने लिख दिया, गुरुवाणी बार बार यही कहती है आपके सामने, आपने गुरु नानक का ही सतगुरु का नाम लिया, सतगुरु, बिन सतगुरु कोई नहीं है, और सतगुरु बाबा फकीर ने साबित कर दिया, सतगुरु तुम्हारे अंदर है, वो प्रकाश और शब्द है, वो है, वो सतगुरु है, और जो प्रकाश को देखता है और शब्द को सुनता है वो तुम हो, तुम्हारी मुलाकात सतगुरु से अंदर गुरु करवाता है बाहर वाला, लेकिन आजकल ये कोई नहीं बताता इस बात को। एक संत आए मेरे सतगुरु बाबा परमदयाल फकीर जी महाराज, जिन्होंने इस पर्दे को उठा दिया और बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐ इंसान तू क्यों भटकता फिरता है, जो कुछ है वो तेरे पास है, इसलिए मैं बात आपसे की है, जो कुछ है ऐ इंसान तू अपनी एनर्जी को अपने आप को कंट्रोल कर ले, तू अपने अंदर जाने की कोशिश कर, बाहर के दरवाजे बंद कर, अंदर का दरवाज़ा खोल ले, बस अंदर सब कुछ है, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, सतगुरु कहाँ है, तुम्हारे अंदर है, वो बाहर नहीं है, होशियारपुर में नहीं है, ब्यास में भी नहीं है, तरन तारण में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं, कहीं भी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, और बाहर के जो रहवर है, बाहर का जो हितकारी गुरु है, वो अपने शिष्य को बता देता है, बच्चा तू ये है वो नहीं है, बात मेरी समझ गए हो आप लोग, लेकिन हमें किसी ने इसको कोई भी संत आज की दुनिया का नहीं बताता, गुरबाणी में सब कुछ लिखा है, महाराज जी ने गुरुओं महापुरुषों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उनको खोले कौन, कौन खोले, जे को खावे जे को पहुँचे जिसका होए सब साधारो, ये भी गुरबाणी की है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है कि पहला खाओ उन पचाओ फिर थोड़ी सेहत चंगी बन जाएगी, पहले सुनो उसको अपनाओ अपने जीवन में तुम खिल जाओगे, क्या कहा मैंने, लेकिन हम नहीं उसको मानते, हम सोचते हैं इजी कम है, दिया जला लो धूप जला लो आरती कर लो बस ठीक है काफ़ी है, वो काम नहीं चलेगा, वो अपने आप को भी धोखा देना है, उस मालिक को भी धोखा देना है, इसलिए बाबा फकीर ने कहा कहीं मत भटको, जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कमी आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई ज़रूरत पूरी करना चाहते हो, अपने कमरे में जाओ आँख बंद करके प्रार्थना करो, सुन रहे हो, सुबह आँख बंद करो और उस मालिक को याद, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी वो सुन लेगा, बाहर नहीं कोई सुनने वाला, अंदर ही है सुनने वाला, एक बार पुकार करके देख लो, देखो तुम्हारा काम कैसे नहीं होता, ये मेरा अपना तजुर्बा है, मेरी बात समझ गए, तुम यहाँ बैठे हो, बाबा फकीर ने तो ऋषि क्या करते थे, ऋषि कंसंट्रेशन करते थे, सोचा किसी के बारे में भी सोचते थे, वहाँ की खबर प्राप्त कर लेते थे, मैं जब ये सत्संग सुना महाराज जी का, तो मेरा छोटा भाई दुबई में था, छोटा भाई, मैंने कहा आज बाबा जी महाराज ने ये बात कही आज आजमा के देखना है, बात समझ गए, मैंने ध्यान किया, प्यार था ना महाराज जी पर, विश्वास भी था, मैंने ध्यान किया देखूं मेरा भाई कैसे मकान में रहता है, मन की धार वहाँ पहुँच गई, मन की धार वहाँ पहुँच गई, क्या मेरे सामने आया कि सागर है
और सागर के किनारे वो एक मकान है जिसमें वो अपने साथियों के साथ रह रहा है। मैंने भैया कुछ चिट्ठी लिखी, मैंने कहा श्रवण मैंने ऐसा ऐसा देखा है, क्या आप जिस मकान में रहते हो वो सागर के किनारे है और उसका मुंह इधर को है? कहते हाँ पाजी बिल्कुल ऐसा ही है। बात मेरी समझ गए? तुम्हारे अंदर नक्शा आ जाएगा मगर हमें मांगना नहीं आता, हमारे अंदर पहले संदेह हो जाता है, पता नहीं होना कि नहीं होना। नहीं ऐसा नहीं, मन में आज की टेलीग्राफ आज का तार उससे भी ज़्यादा ताकत है, तार में भी ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब मैसेज आता है, टेलीफोन की भी घंटी देर में बजती है लेकिन मन सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। तजुर्बा करके देखो, ये हवा से क्या सूरज की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलता है, सूरज की स्पीड भी इतनी नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ ऊँडे का सीन मेरे सामने आ गया। क्या कहा मैंने, या एक सेकंड भी नहीं लगा, एक सेकंड भी नहीं लगा, सोच लो तुम देख लोगे, आगे पढ़ो। न जागा न सोया न सुसुप्ति में आया, न जागा न सोया न सुसुप्ति में आया, नरासा निरासा के भय ने सताया। अब वो कहाँ सोती है, सुरत कहाँ सोती है? वो नहीं सोती, उसको कोई आशा भय कुछ नहीं है, वो निर्भय है, निर्वैर है, मेरी बात समझ गया, निडर है, कुछ निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है। चिंता तो हमारे मन में है, चिंता हमारी आशा में है, हाय ये हो जाए, आए ये हो जाए। अरे काहे के लिए, तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, सच्चे दिल से करो, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे लिए फल लाएगी, तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे लिए फल लाएगी। हाथ पर हाथ दे के मत बैठो, ना बिल्कुल नहीं बैठना है, आपने अपना कर्म करना है, वो अंदर बैठा है, वो खुद तुम्हारी बात को देख रहा है, वो सर्वव्यापक है। दाता दयाल ने लिखा कि सब में है सबसे न्यारा है, सब में है सबसे न्यारा है, वो हस्ती सर्वव्यापक है, वो हस्ती जो है वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक में उसकी एक अंश तुम्हारे अंदर है, तो जब तुम्हारी अंश उसके साथ मिलेगी तो तुम कमज़ोर कैसे रह सकते हो? तुम जो कमज़ोर नहीं रहोगे, कमज़ोर तो तब आते हो जब तुम मन में आ जाते हो, स्थूल रूप में आते हो। स्थूल रूप की शक्ति आपको मैं बताऊं, ये जो रेलवे का इंजन बना, जो इंजन बना कैसे बना था, वाटसन एक साइंटिस्ट था, वाटसन, वो अपने कमरे में कोई चीज़ बना रहा था, पानी रखा हुआ, ऊपर उसके ढक्कन दिया हुआ, तो पानी जब उबला ढक्कन उछल के बाहर गया, उसका दिमाग काम कर गया कि भाप में इतनी ताकत है, भाप में इतनी ताकत है कि उसने ढक्कन को उठा दिया, उठता है ना ढक्कन देखो कभी, तो इससे कोई और चीज़ क्यों ना बनाई जाए, तो उसने भाप से इंजन बना दिया। ये गाड़ी जो भाप से चल, जिसमें कोयला चलता है उसमें पानी पड़ता था, पानी पड़ने के बाद फिर एक बहुत बड़ा भाप का कमरा बन जाता अंदर, बस जैसे उसको खोला भाप ने धक्का लगाया इंजन चल पड़ा। क्या कहा मैंने, ऐसे ही हमारे मन की तीन चार ताकतें हैं, एक है शरीर की ताकत मुट्ठी, ये शरीर की ताकत है, एक है मन की ताकत, मुट्ठी काम करे नहीं करेगी, जब तुम मुट्ठी में आ जाओगे तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। दाता दयाल जी महाराज स्कूल जा रहे थे, जब उन्होंने पढ़ लिया तो वो स्कूल के टीचर भी बने, तो उस वक्त सड़कें कहाँ थी, पगडंडियाँ होती थी, यूपी में भी पहाड़ हैं, तो पहाड़ी का पत्थर कोई रास्ते में गिर गया तो बच्चे उसको कोशिश कर रहे हैं हटाने की,
कभी एक लग जाता है, दो लग जाते हैं, तीन लग, वो हिलता नहीं। दाता दयाल वहाँ चले गए, कहते बच्चों ठहरो ऐसे नहीं उठेगा, आप सारे लगो। मैं कहूँगा एक, फिर कहूँगा दो, फिर कहूँगा तीन, फिर अपने फिर जोर लगाना। इसका मतलब क्या था कि एक कहने से वो अलर्ट हो गए, दो कहने से उनकी ताकत हाथ में आ गई, तीन सब ने कहा मिलकर वो पत्थर नीचे गया। मतलब ये था कि मन में, मन की ताकत हाथ में आ गई, मन की ताकत हाथ में आ गई। ऐसे ही आत्मा की ताकत है प्रकाश, प्रकाश की ताकत है। फिर आत्मा की आत्मा के ऊपर हमारी सुरत की ताकत है। सुरत की ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हम उस सुरत के साथ, मन के साथ मिलकर दुनिया में कामयाबी प्राप्त करते हैं। तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी सुरत कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो क्या वो काम हो जाएगा? बच्चा पढ़ रहा है लेकिन टीवी देख रहा है, ओए ध्यान नाल पढ़, वो तो डिवाइड है, वो कि उन्हें की पढ़ना, खाक पढ़ना, वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी डिवाइड है, वो टीवी देख रहा। जो मन की कॉन्शियसनेस है, जो ताकत है, वो वहाँ है तो वहाँ कैसे आ सकती है? इसलिए बच्चे आजकल अपने पढ़ने में इतने कामयाब नहीं हो सकते, कमरे में टीवी लगे हैं, हाथ में मोबाइल है, फिर रोटी खाने लगे सामने रख देंगे। आप मेरी बात समझ गए? तो इसलिए ये जो ताकत है इसको समझो, शरीर की ताकत को भी बचाओ, मन की ताकत को भी बचाओ, और आत्मा की ताकत तो अपने आप बच जाएगी, फिर उसकी ताकत भी बच जाएगी, क्योंकि चारों में आपस में बड़ा तालमेल है। हमारे शरीर का जैसे आपस में तालमेल है ना, शरीर का तालमेल नहीं है, पूरा तालमेल है, हर चीज़ अपने आप मिली जुली है। किडनी अपना काम कर रही है, पैनक्रिया अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है कि नहीं, सब मिले हुए हैं। बाबा फकीर जी महाराज ने एक दफ़ा बताया कि एक बार बाकी हाथों ने, हाथ मुंह सारी इंद्रियों ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे, ये हाथ खांदा, जीभ भी खांदी, सानू तो कुछ भी नहीं मिलता, खब्बा हाथ कहना मैनू तो कुछ नहीं मिलता, पैर कहने मैनू की मिलता, मैं तो तुरदा ही रहता हर वेले, बात समझ गया ना, तो अखा कहनियाँ मैं देखती रहनी हाँ मैनू की मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपस में ही झगड़ा कर लिया, असी नहीं करना कुछ भी, बस सारे बैठ गए, इदा बैठ गए, नहीं खाना, मुँह कहना मैं नहीं खोलना, हाथ कहते मैं नहीं चलना, एक हाथ ने रोटी खा होंगी है नहीं। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, शरीर कमज़ोर होने लग गया जब तीन दिन हो गए तो अंदरों ढकार होर तरह के आने लग गए सारे फिर कट्ठे होए, कहते वे खत्म हो जाना, असी माफ़ी मंग लो, माफ़ी मंग लो, ताकि रोटी तो खाने मिले, ताकत तो मिले, कुछ तो तुरदे फिरदे हुईए, चलते फिरते सी, देखते सी दुनिया, ऐसे तो अखा ही बंद हो गई, भुखे आदमी की अख बंद हो जाती है क्या कहा मैंने। तो फिर फैसला हुआ कि हम हमेशा एकता से काम करेंगे, शरीर एकता से काम करता है, ऐसे ही मन बुद्धि चित्त, इनमें भी एकता नहीं है, मन कहीं और होता है, चित्त और कहीं होता है। मन को जब तक चित्त नहीं करोगे, ठहराओगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। चित्त मीन ठहराना, मन को जब ठहरा लोगे वो चित्त बन जाएगा, चित्त बनेगा तो चिंतन शुरू होगा, बुद्धि पैदा होगी, बुद्धि पैदा होगी तो अच्छे ख्याल पैदा होंगे, ये बुद्धि नहीं है तो काम क्या है। वो कहते हैं ये दिमाग ही है नहीं, ये क्योंकि उसने अपने मन को चित्त में नहीं डाला। चित्त में मन को डाल दो, चित्त ज़्यादा ताकतवर है, चित्त में ठहराओ, ठहर गया, जो ठहरा है उसमें ताकत आ जाती है, जो ठहरा नहीं है उसमें ताकत नहीं आएगी। इसलिए मन को चित्त में लगाओ, चित्त से बुद्धि पैदा होगी, बुद्धि पैदा होगी तो तुम संसार में जो चाहो कर लोगे, क्या कहा मैंने। इनमें तालमेल पैदा करो,
आपस में तालमेल पैदा करो, मन चित बुद्ध को एक कर लो, एक हो जाएंगे तुम्हारा चिंतन बन जाएगा, यहाँ आ जाओगे। जब तक मन से कुछ कर रहे हो, चित्त कहीं और है, बुद्धि का काम ही नहीं चल रही, तो वहाँ काम नहीं चलेगा। एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक से मिल जाओगे। दो हो जाओगे, दुविधा में रहोगे, दुविधा में कभी भी कामयाबी नहीं है, दो में कामयाबी नहीं, एक के हो जाओ। ठीक है, आगे बोलो। न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न दौड़ा न बैठा न लेटा कभी मैं, न माता पिता और न बेटा कभी मैं। सुरत कुछ नहीं बनती, सुरत ना दौड़ती है ना लेटती है ना सोती है, वो तो हमेशा दायम और कायम है, वो तुम्हारा सारा कारोबार चला रही है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। वो भगवान की अंश, माल के कुल की अंश, उस तत्पुरुष की अंश तुम्हारे अंदर है, तो वो कुछ नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारी साक्षी ज़रूर है, वो तुम्हारे हर काम की देखभाल करती है, वो तुम्हारे लेने देने में कुछ नहीं रखती। जब उड़ जाएगी कुछ नहीं रहेगा, क्या कहा मैंने, इसलिए उसका फ़ायदा उठा लो, उस ताकत का फ़ायदा उठा लो, और वही ताकत तुम्हारी दुनिया बनाने वाली है, वही ताकत तुम्हारी उस मालिक को बनाने वाली है। बात मेरी समझ गया? मन से भक्ति मत करो, मन से भक्ति काम नहीं करेगी, जब भी काम होगा वो चित्त और सुरत के साथ मिलकर होगा। चित्त मीन चिंतन, चिंतन किसका, अपने आप का, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कौन मेरा आधार है, ये जब चिंतन शुरू हो जाएगा फिर दाता दयाल वाली हालत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं रहता। क्या कहा मैंने, ये दुनिया के अलावा मैंने दो बातें क्लियर कर दी, दुनिया बनानी है तो आश और विश्वास रखो, आश और विश्वास रखो। दाता परमदयाल जी महाराज ने उर्दू में लिखा हुआ है, वो मेरे पास है उर्दू में, 1908 का लिखा हुआ है। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, एक एक शब्द को सुनना, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो बासेहत रहो और अमीर, खुश रहो बासेहत रहो और अमीर। फिर आगे क्या लिखते हैं, दिल में रहे तुम्हारे, दिल में रहे एक आस और विश्वास, दो नहीं, दिल में रहे एक आस और विश्वास, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंदर है हर वक्त जाते फकीर, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ। वो कौन है, सुरत रूप में। इसलिए महाराज कहते थे कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा चेला है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मन ही तुम्हें मदद करता है और तुम्हारा मदद ही तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। इसको समझना है, और उस मन को क्या देना है, आस और विश्वास। इसको खाली मत रखो, आस और विश्वास, दो चीज़ें इसके मुँह में डाल दो, बस फिर ये चुप रहेगा। इसको बोल दो कि ये तेरा मतलब है, तेरे मैनू ते तो होर कुछ नहीं चाहिए, ए आस है तो ए विश्वास है, इधर ले चल मुझे, फिर ये खुद ही आपका साथी बन जाएगा। आगे, नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, नहीं ब्रह्म माया का है द्वंद मुझको, न उलझा सका कर्म का फंद मुझको। अब कहते हैं कि ब्रह्म और माया अलग अलग, जहाँ ब्रह्म है वहाँ माया है। ब्रह्म मीन प्रकाश और माया मीन प्रकाश का साया, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ साया होगा, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ मन है। ये कमरा है, ठीक है,
इसकी ताकियां दरवाजे कोई नहीं है, सिर्फ एक बल्ब है, दरवाज़ा बंद है, अंधेरा है, रात है, आपको पता है कि कमरे में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन जब तक तुम लाइट नहीं करोगे तुम कमरे में अंदर नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे ना। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? लाइट से मिलेगा, लाइट से। दादा कहते हैं मुझे नहीं ब्रह्म ले रहा, क्योंकि मैं खुद ही लाइट हो गया। बहुत ऊंची बात है, वो खुद ही प्रकाशमय हो गए। इसलिए मेरे दाता कहते थे, एक शब्द है उनका, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे घर किसी के तो गम पकड़ेगा सेना। फिर उन्होंने कहा मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर, मन और इंद्रियों का बड़ा आपस में लगाओ है, इंद्रियां ते बैठ के अखां ते देखना, अखां ते बैठना बड़े जरूर पसंद करता, हमेशा अखां ते बैठता है मन जो है, जब तक मन अखों में नहीं बैठेगा तुम्हें कुछ नज़र नहीं आएगा। बात समझ गए ना? एक दर्जी काम कर रहा है, दर्जी कपड़े सी रहा है, सड़क के किनारे है, वो सी रहा है आराम से, उसका पूरी आँखें पूरा मन कपड़ों की सिलाई में है। कोई आदमी आंदा, वो कहना दर्जी सी मास्टर जी यहाँ से कोई आदमी निकलिया देखे तुम इदा ना, वो कहना जी मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि उसने उधर देखा ही नहीं, उसने तो अपने कपड़े देख रहा, क्योंकि उसकी अटेंशन अपने काम में है। बात समझ गए ना? मन और आँखें उसमें हैं, वो कैसे देखेगा सड़क पर क्या जा रहा है, वो कपड़े नहीं खराब हो जाने, क्या कहा मैंने। तो इसलिए जहाँ जब इंसान, फिर आगे वो कहते हैं मन इंद्रियों पर भाई जब तरखना तुम बराबर आगे जाबत बने रहो, जाबत बने रहोगे संसार में विचरना, ऐसा ऐसे उनके एक शब्द है। आखिर में कहते हैं वो आत्म स्वरूप बनकर तुम सरकार में विचरना, हमें आत्म स्वरूप बनना है। आत्म स्वरूप मीन प्रकाश, आंखें बंद हुई ध्यान में गए प्रकाश में चले गए, तो जब प्रकाश में जाओगे तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ये दुनिया क्या है। प्रकाश में सब कुछ नज़र आता है ना, प्रकाश में सब कुछ नज़र आता है। ऐसी स्टेज आ जाती है कि तुम अगली बात बता दोगे, ये मेरे साथ बीती हुई है, लेकिन अब मैं वो काम नहीं करता समझ गए। तो ब्रह्म माया, मैं नहीं कहते चक्कर में पड़ता कि ब्रह्म क्या है माया क्या है, मैं इससे ऊपर, मैं द्वंद से ऊपर निकल गया। आगे सहज रूप है और सहज कर्म बाणी, फिर इंसान का रहना सहज हो जाता है, सहज, कोई हलचल नहीं रहती, सहज रूप हो जाता है हमारे अंदर जो हो रहा है सहज में हो रहा है ना, हम कुछ कर रहे हैं सहज में हो रहा है, ऐसे वो बाहर मुखी होकर भी सहज हो जाते हैं, कोई जल्दी नहीं, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला ना सही, मेरी बात समझ गए। लेकिन मैं अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा, मुझे बच्चे अभी पूछ लेते हैं दादाजी क्या खाना है, दादाजी क्या जब लेना क्या, वो मुझे नहीं छोड़ते। बात मेरी समझ गए ना? प्यार है ना उनको, बहू भी है, दादा डैडी शाम को क्या बनाऊँ, मैं कहा जो मर्जी बना लेना बेटा मैं खा लूँगा, लेकिन वो नहीं मानते, मैं जब तक कहूँ ना, हम चाहते हैं आपको ठीक लगे। बात समझ, मैं कह मुझे सब कुछ ठीक है लेकिन किसी के घर का मत खिलाओ बात समझ गए ना? जैसे हमारे मंदिर है साथ ही, वहाँ आजकल वो कथा चल रही है, वो शाम को लंगर वहाँ खा आते हैं, बच्चे हैं जाना चाहिए, कहा मैं लंगर का नहीं खाना चाहता, मैं नहीं खाता लंगर, मैं जहाँ पैसा दूंगा वहीं खाऊंगा, मैं क्यों खाऊं लंगर, मैं रात को अपना मन थोड़ी ख़राब करना, जैसा खाओगे आनंद वैसा बनेगा मन, ठीक है। आगे सहज रूप है और सहज कर्म बाणी, सब कुछ सहज हो जाता है, वो कर्म नहीं करता, उसको कर्म करने की जरूरत ही क्या है, वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है वहाँ कुदरत उसका कर्म करती है। ये ऊंची स्टेज है, हम लोगों को नहीं कह रहा, तुम लोगों को तरक्की करना है अभी ज़िंदगी में, तुम लोग तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, गाड़ियाँ रखो बड़ी बड़ी,
मर्सिडीज रखो, है ना, क्यों सिमरन? और क्या, मेरा वो छोटू है ना विक्रम, दादा जी फिर हूँ कड़ी गड्डी लेनी है? मैं क्या, तू नौकरी लग जा, मैं फिर मर्सिडीज लाऊंगा। आशा है, आशा के आशा अच्छी करनी है, माड़ी क्यों करनी है? माड़ी आशा नहीं रखनी, ख्याल ऊंचा आप ही देगा। जब तुम उसके हो गए तो मैं क्या किस बात की चिंता आगे। सहज रूप है और सहज कर्म बाणी, सहज में सहज की सहज हो निशान। जो कुछ हो रहा है उसकी मौत से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसकी मौत से हो रहा है, ऐसा ख्याल किसको करना चाहिए? जिसका सब गृहस्थ खत्म हो गया, गृहस्थ का सभी ड्यूटियां खत्म हो गई, उसके लिए है ये। जिनके बाल बच्चे अभी पढ़ते हैं उनको नहीं सोचना, उनको तो उनको बढ़ाओ, उनको समझाओ, उनको आगे ले जाओ, उनको अच्छे विचार दो। बात मेरी समझ रहे हो आप? उनको नहीं छेड़ना, उनको आगे बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो आगे। साहस दल याने के और त्रिकुटी की त्रिपुटी, साहस दल याने के और पढ़ दे सारा ही। त्रिकुटी की त्रिपुटी, दशा द्वैत की सुनने में भी न प्रगटी, आगे महाशून्य या द्योति का भाव छूटा, भंवर में नहीं काल माया। अब वो ये अंदर की स्टेजेस हैं, अंदर की सुन महासुन भंवर गुफा, ये अंदर की स्टेजेस हैं। दाता दयाल कहते हैं ये मेरे ऊपर अब असर नहीं करते, मैं इनको छोड़ गया। परमदयाल जी महाराज कहते थे कि मैंने इन पांचों जगहों का बड़ा अभ्यास किया। जब मैं बसरे बगदाद में था तो प्रकाश इतना होता था कि मैं ऊपर की कड़ियां गिन लेता था, रजाई में अंदर से रजाई ली हुई है, कड़ियां नज़र कर लेता था, देख लेता था। लेकिन अब मैं इनको नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं घंटा सुनूं, नहीं सुन सकता। मैं चाहता हूं कि ध्वनि नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरी हो गई। अब मैं नीचे नहीं आता, ऊपर का ही शब्द सुनता हूँ, ये मेरे दाता ने कहा हुआ है। उसका मुझे अनुभव हो गया कि हाँ, मेरे सतगुरु बाबा की जी ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब इंसान वहाँ आगे की स्टेज पर चला जाता है, फिर इन स्टेजेस में ठहरने को दिल नहीं करता, सीधा वहाँ मन बैठे और सीधा यहाँ। बात मेरी समझ गए ना? लेकिन ये होगा तब जब सतगुरु की दया होती है, उसकी दया के बगैर जो कुछ भी नहीं होता। ये इंसान चाहे कि मैं ये आज ये कर लूँगा, ये फेल्स। जब जो उस पर छोड़ देगा तो सब कुछ हो जाता है आगे। अलख हूँ अगम हूँ अनामी बना। अब कहते मैं क्या बन गया? अब वो बन गया जो वो है, अलख जो देखा नहीं जा सकता, अगम जिसकी था कोई नहीं है, और क्या आगे? अनामी बना हूँ, अनामी अनामी। अब मेरा नाम भी नहीं है, अब उस हस्ती का क्या नाम है? भगवान किसी ने नहीं देखा, वैसे कह दिया काल पुरुष है, वो काल से परे, वो काल से परे है। और दूसरे संतों ने उसका नाम सतनाम रख दिया, लेकिन वो क्या है सतनाम, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इसको दूसरे शब्दों में समझा देता हूँ आपको। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि हमारा शरीर जो है, ये हमारा जो शरीर ये है, अगर इसका बिल्कुल काट दिया जाए, थोड़ा थोड़ा कर दिया जाए, छोटा छोटा कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये सारी धरती पर छा जाएगा। इतनी धरती है, सारे वर्ल्ड की धरती, इतना बड़ा शरीर है ये। और फिर फरमाया करते थे कि जितनी धरती है उससे तीन गुना पानी है, हमारे शरीर में भी पानी है। जितना पानी है उससे तीन गुना अग्नि है, और जितनी अग्नि है उससे तीन गुना हवा है, और जितनी हवा है उससे तीन गुना ज़्यादा आकाश है। अब तुम अंदाज़ा लगा लो,
ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा ऊंचा है, और इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है ना। ऐसे ही ये कहा गया है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है, हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, हमारे शरीर में जल भी है, हमारे शरीर में अग्नि भी है, हमारे शरीर में वायु भी है, हमारे शरीर में आकाश भी है, पृथ्वी हमारे मूलाधार में है, जल हमारी इंद्री में है, अग्नि हमारी नाभि में है, हवा हमारे हृदय में है, आकाश हमारे कंठ में है। बात समझ गए? ये सारा नीचे ब्रह्मांड है, ऊपर वो मालिक का घर है, वो ऊपर है। संतों ने इसको तीन भागों में बांट दिया, पिंड अंड, ये मन की दुनिया है और ये ब्रह्मांड है। तो देख लो कितना बड़ा सफर है। संतों ने नीचे वाला सब कुछ छोड़ दिया, संतों ने शुरू किया तीसरे तल से, सजदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख लोक है, गम लोक है, ये अनाम, ये राधा स्वामी धाम है, ये अनामी धाम है जिसका नाम कोई नहीं है। संतों ने ऊपर वाला सिस्टम ले लिया, नीचे वाला कबीर साहब ने छोड़ दिया, बाकी संतों ने नीचे वाला सिस्टम छोड़ दिया। नीचे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। परमदयाल जी महाराज ने कहा कि आगे आने वाले जो संत हैं वो सोहंग से शुरू किया करेंगे, भंवर गुफा से, सोहंग से शुरू किया करेंगे। तो वो आगे वाला आने जाने वाला, हमें तो अभी यही पता है कि हमने यहाँ से चलना है और यहाँ पहुँचना है, इसको छोड़ना है, पिंड अंड दोनों को छोड़ना है, शरीर के एहसासों को भूलना है, मन से भी ऊपर निकलना है, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर कौन होंगे? अलख हूँ, अगम हूँ, अनामी बनाम है, मेरा नाम भी कोई नहीं है। नाम तो जब आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं, फला मर गया ऐसे कहते हैं ना, उसके साथ ही उसका जो दुनिया वाला नाम खत्म हो जाता है, वो भी अनामी हो जाता है, उन कौन याद करता। बात समझ गया ना, कौन मर गया भाई, फलाना मर गया, चल नाम उसका साथ ही खत्म हो गया। तो वो नाम हमेशा रहता है, जो सतगुरु का नाम है वो हमेशा रहता है, वो ना जन्मता है ना वो मरता है, वो अटल है, अजन्मा है, अजय है और अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो कौन है? वो तुम्हारी अपनी सुरत है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन वो अपने मालिक को मिलेगी। जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक उसको आना जाना बना रहेगा। क्या कहा मैंने? और आना जाना किससे बना हुआ है? हमारी आशा से। जब आशा ही खत्म हो गई, उसको मिलने की आशा है, तो तुम उसी को मिल जाओगे। क्या कहा मैंने? आगे बोल दो। अलख हूँ, अगम हूँ, अनामी बना हूँ, कहूँ कैसे कैसा, कहाँ और क्या, मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या हूँ परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं क्या हूँ? मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ, हम सब चेतन के बुलबुले हैं और कुछ भी नहीं। और गुरुवाणी में लिखा है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा छिप जाता है, और ऐसे ही हमारा जीवन है। लेकिन हम तब तक नहीं वहाँ पहुँचेंगे जब तक दुनिया का काम ना कर ले। फर्स्ट ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, पहले दुनिया से कंप्लीट फ्री हो जाओ, कोई बंधन ना रहे, कोई अटैचमेंट ना रहे, सब काम पूरे हो जाएं, बस सिर्फ उसकी लगन हो जाए, तभी होगा। लेकिन अगर दुनिया की आस है तो उसकी लगन कैसे लगेगी? इसलिए दुनिया को पहले बनाओ। मैं यही कहा मुझे दाता ने, मेरा सब कुछ बन गया, अब जो मर्जी करूं मैं, मुझे क्या चिंता है, समझ गया, सब कुछ मालिक की कृपा है, उन्होंने दुनिया मेरी बना दी, अब मुझे क्या है, उसको मिलना, बस मिलना नहीं बल्कि उसमें विलीन हो जाना। क्या कहा? वो जहाँ से आए वहीं पा जाना। चलो आगे। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया। गुरु कौन आया? राधा स्वामी। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, अनामी आए, राधा स्वामी रूप में आए। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा,
दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है निवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दाने। मुझे ऐसे संत मिले, मुझे ऐसे सदगुरु मिले, उनकी कृपा से मैं आपके सामने आपकी सेवा में बैठा हूँ। ये सब उनकी दया है, मेरी कोई करामात नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, ना मुझे पता है स्थिति बात ऐसा। आप पे करे करावे आप पे आप, इस शरीर के कुछ नहीं हाथ। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। गुरु राधा स्वामी ने आकर चिताया, मेरा रूप मुझको सहज में लखाया। मैंने आपको गुरु पूर्णिमा पर बताया था कि दाता के दरबार में मैं पहली दफ़ा जब पहुंचा तो क्या शब्द मिल दिया पढ़ने को, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यही भी कहा था ना। तो गुरु ने पहले दिन ही मुझे सब कुछ समझा दिया था। उस वक्त मेरी बुद्धि इतनी नहीं थी, बच्चा था 18 साल का, लेकिन उन्होंने एक बीज डाल दिया, वो बीज पनपता हुआ दरख्त बन रहा है। क्या कहा रहा मैंने, गुरु करता क्या, संस्कार देता है। गुरु का काम है संस्कार देना, ये बच्चा ये नहीं तू ये है, बस वो संस्कार आपको आगे ले जाएगा। आप आए हैं सर्दी में बारिश में, मेरी शुभकामना, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने दोनों बातें बता दी, संसार की भी और व्यवहार की भी, परमार्थ भी बता दिया और स्वार्थ भी बता दिया। जो स्वार्थ में कामयाब नहीं है वो परमार्थ में भी कामयाब नहीं हो सकता। पहले दुनिया में थक जाओ, मन तू थकत थकत थक जा, पहले मन को थका दो दुनिया में, इतना धन कमाओ, इतनी मेहनत करो, किसी बात की कोई कमी ना रहे, किसी के आगे ऐसा हाथ ना करना पड़े, बस ऐसे ही करो ऐसे ही करो ऐसे ही करो, कहते देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो देता जाएगा। देंदा दे लेंदे थक पा, जुगा जगंतर खा ही खा। क्या कहा मैंने, तो आप सब सुखी रहो, सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।